सो वहलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल फाइनली इस लुक का ट्यूटोरियल आ ही गया मैं मानता हूं कि मैं काफ़ी लेट हो गया बट कोई नहीं ठीक है हम इस लुक को स्टार्ट करेंगे आप ये मोस्टली ऐसा लुक है जो आप अपनी ब्राइट पे कर सकते हो रियल क्लाइंट पे ईजीली कर सकते हो और ये बहुत सिंपल है ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं हमने मैंने सबसे पहले सी से स्टार्ट करा है थोड़ा फेस क्लीन करने के लिए माइस्लर वाटर यूज करा है पता आप कोई सा भी टाइप का मेकअप करो तो सी टी एम इसमें सबसे मैंडेट्री होता है सी टी एम से आपकी मेकअप की जो क्वालिटी होती है वो टेन टाइम बेटर आती है अगर आपने सी टी एम बहुत अच्छा करा है और जो हमारा बेस क्रैक होता है ऑक्सीडाइज होता है वो सब नहीं होता उससे ठीक है तो सबसे पहले आपको पता ही है मैं वाटर बेस यूज़ करता हूँ इधर मैंने न्यूट्रोजिना का वाटर बेस यूज़ करा है बहुत अच्छी क्वांटिटी से यूज़ करते हैं इसको ये नहीं कि बहुत हल्का हल्का लगाया अच्छे से पूरे फेस पे नेक पे लगा के और आप इसे ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो और चाहो तो उसे हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हो जो आपको ठीक लगे वैसे मैं कभी बार हाथ से भी कर लेता हूँ पर इधर मैं ब्रश से कर रहा हूँ सो दैट ये इससे क्या बेनिफिट होता है इससे हमारी एक एक्सेस एक्सेस ड्राइनेस होती है वो कट डाउन हो जाती है और एक इंटरनल हाइड्रेशन हमारी स्किन को मिलती है ठीक है मैं हाँ ये मैंने क्यों करा उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब हुआ ये ये तो आप जो मिस्ट है ये वैसे मैं पहले करना चाहिए हाइड्रो टो, टोनर के लिए बट uh, मैं स्किप कर गया था और फिर मैंने बाद में करा अब मैं मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहा हूँ आप मॉइस्चराइजर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो मैंने इधर बॉबी ब्राउन का विटामिन ई e वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करा है आप चाहो तो नीविया वाला भी कर सकते हो बायोटेक का मॉर्निंग नेक्टर कर सकते हो ठीक है इनकी जो स्किन टाइप थी इनकी इनकी जो स्किन टाइप थी वो एक्सेस ड्राई थी सुपर ड्राई तो अब मैंने मॉइस्चराइज़र के बाद इनको अभी मैं ऑयल भी दूंगा क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था क्योंकि जो हमें फाउंडेशन यूज़ करना था वो मैट था तो वो और ड्राइनेस कर था तो इसलिए मैंने बहुत पहले मॉइस्चराइज़र करा फिर इसके बाद मैं अभी ऑयल यूज़ करूँगा फेस ऑयल ठीक है इसमें मैं इधर इसे अच्छे से मसाज मतलब अच्छे से हैंड से स्प्रेड कर रहा हूँ सो दैट अच्छे से पूरा स्किन को वो हो जाए कवर हो जाए सबसे ज़्यादा हमें मॉइस्चराइजर का जो ध्यान रखना होता है अंडर आइज पे और माउथ के अराउंड हाँ अब इधर मेरा ऑयल आ गया फेस ऑयल आप कोई सा भी फेस ऑयल यूज़ कर सकते हो इधर मैंने जो ला मोक्लिस का फेस ऑयल आता है वो यूज़ करा है इसके अंदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड ऑयल के जिससे एक अलग ही शाइन आ जाती है फेस पे फिर अब मैं इसे अच्छे से पूरे फेस पे अच्छे से इसको मसाज कर दिया इसको इसको मैंने लगा के कुछ देर छोड़ इसको मतलब जब इसको पूरा अच्छे से अप्लाई कर दो अच्छे से हैंड से इसे स्प्रेड कर दो उसके बाद इसे दो मिनट तक छोड़ दो जितना भी हमें स्किन को ऑयल चाहिए होगा वो अपने आप ही इसमें पेनिट्रेट हो जाएगा और अगर अगर आपने एक्स्ट्रा लगाया होगा तो आपको स्किन पे दिख जाएगा फिर आप उसे टिश्यू से वाइप ऑफ कर सकते हो जो भी एक्सेस है अब मैंने इधर थोड़ा प्राइमर यूज़ करा है क्योंकि इनके पोर्स भी थे स्किन पर तो मैंने प्राइमर यूज़ करा है इधर मैंने अर्बन डिके का प्राइमर यूज़ करा है और आप कोई सा भी कर सकते हो पी का आता है पोर फिलर और रिकोड का आता है रिकोड का भी कर सकते हो ठीक है हमें जब भी ये बस ये ध्यान रखना जब भी आप अपना पोर फिलर यूज़ करो प्राइमर यूज करो थोड़ा सा स्किन को टाइट करके और सर्कुलर मोशन में इसे अप्लाई करो और जहां पे भी आपको लगे अब बारी आती है हमारे सी ओवर हुआ अब आती है हमारी कलर करेक्शन कलर करेक्शन के लिए मैंने इधर शॉपरेल की कलर करेक्शन पैलेट यूज़ करी है देखो कलर करेक्शन में दो चीज़ होती हैं आप ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हो या आप क्या डार्क कंसीलर से कंसील कर सकते हो मैं दोनों ही कर देता हूँ बट इधर मैंने अभी डार्क कंसीलर से ही करी है बहुत हल्का सा मैंने ऑरेंज इसमें मिक्स करा है वीडियो स्पीड में है तो इसलिए नहीं पता चल रहा है वरना मैंने ऑरेंज भी बहुत हल्का हल्का यूज़ करा है आप अभी देखोगे कि एकदम से इनके स्किन पे कैसे अलग ही रिजल्ट आएगा जब होगा थोड़ा बीच में लाइट चेंज होगी उसके लिए मेरे को सॉरी एडवांस में सॉरी बोलता हूँ क्योंकि लाइट का पता नहीं क्या हो रहा था कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रही थी कभी डल हो रही थी कभी ब्राइट हो रही थी अब कलर करेक्शन को अच्छे से ब्लेंड करना है छोटे में कलर करेक्शन के लिए मिनी ब्लैंडर्स प्रेफर करता हूँ ये जो मेरा ब्लेंडर है ये पी का है और इसे क्या रहता है अंडर आइज में बहुत अच्छे से हो जाता है और बड़े वाले ब्लेंडर से जब हम करते हैं तो वो पूरे में स्प्रेड हो जाता है जहाँ पे नीड भी नहीं होती वहाँ पे भी हो जाता है आपको कलर करेक्शन जो हमने करी है अभी ये कंसीलर जो अप्लाई करना है आपको अंडर आइज़ में आपके फोर हेड पे आपके चिन एरिया पे अराउंड द माउथ अच्छे से अप्लाई करना है अब मैंने इधर दो फाउंडेशन लिए नार्स का और हुडा का उन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स करा अब मैं ब्रश की हेल्प से उसको अप्लाई कर रहा हूँ फेस पे नेक को नहीं भूलना हमें नेक पे भी अप्लाई करना है ठीक है अब इसे अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे ब्रश की हेल्प से ब्रश के बाद फिर हमें इसको स्मूथ फिनिश देने के लिए ब्रश के जो स्ट्रोक्स आ जाते हैं उसको एक स्मूथनेस देने के लिए मैं ब्लेंडर का यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडर जो है मेरा ये फोर एवर फिफ्टी टू का है इसको आपको थोड़ा सा डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है थोड़ा सा मतलब गीला कहते हैं ना उसे गीले को अच्छे से टिशू में वो करके सुखा के फिर यूज़ करना है इसे तो बहुत अच्छी एक फिनिशिंग आया है इससे अब मैं कर रहा हूँ हाईलाइटिंग हाईलाइटिंग के लिए मैंने इधर दो कंसीलर यूज इसलिए करे हैं एक बॉबी ब्राउन का और टार्ड का करा है पर आप आपके पास कोई भी एक हाईलाइट मतलब थोड़ा एक फेयर शेड का हो आप उसे यूज़ कर सकते हो मेरे पास एक फेयर था नहीं तो मैंने दो को मिक्स करके इसलिए करा है ठीक है हमें बस ओनली हाईलाइट पॉइंट्स पे करना है बहुत कम कम क्वांटिटी में लगाना है अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स पे फिर उसे अच्छे से जिस ब्लेंडर से हमने फेस का बेस ब्लेंड करा था उसी के हेल्प से हम अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे हाँ मुझे पता है अभी द लाइट थोड़ी चेंज हो गई मुझे पता नहीं है क्यों हो रहा है लाइट चेंज हो रही है कभी डल हो रही है कभी ब्राइट हो रही है बट इग्नोर करना आप सीधा टेक्निक देखो कि मैं कैसे मेरे हाथ मेरे जो हाथ की मूवमेंट्स हैं वो कैसे जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको भी इसे करना है ठीक है अब आ गया हमारा कॉन्ट्रोल कॉन्टोर जैसे अब ये फेस आप देख रहे हो पूरा एकदम ब्लैंक सा हो गया कोई इसमें हाईलाइटेड पार्ट्स नहीं नजर आ रहे उसकी हेल्प से अब हम कॉन्टोर की हेल्प से थोड़ा सा फेस को एक डायमेंशन देंगे एक शेप देंगे हमने जॉ लाइन करा थोड़ा सा फोरहेड पे भी कर दिया अच्छे से और थोड़ा सा नोज़ पे कर दिया वैसे मेरे को क्लीन कॉन्टोर बहुत कम ज़्यादा अच्छा नहीं लगता बट इधर मैंने थोड़ा सा कर दिया है क्योंकि एक वीडियो में दिखाने के लिए फिर इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे जिधर आपने अप्लाई करा है उ, उसी साइड पे वहीं पर ये ब्लेंड करना है उसको कहीं आगे ऊपर नीचे कहीं पर भी नहीं लेके जाना उसी डायरेक्शन में से ब्लेंड कर देना अब मेरे से इधर एक मिस्टेक हुई है आप मे भी नोट करोगे इधर मैं जॉ लाइन वाला जो था हमारा कॉन्टोर वो ब्लेंड करना मैं भूल गया ठीक है और मुझे बाद तक याद नहीं आया कि मैंने इसको ब्लेंड नहीं करा इसके बाद हमने वो यूज़ करा थोड़ा सा ब्लशर यूज़ करा क्रीम ब्लशर क्रीम ब्लशर मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है पाउडर ब्लशर जब हम यूज़ करते हैं वो थोड़ी देर बाद फेड हो जाता है स्टे नहीं करता इतना लॉन्ग अगर हम थोड़ा लिक्विड ब्लशर यूज़ कर देते हैं तो वो अच्छे से स्टे करता है अब मैंने इधर बेकिंग कर रहा हूँ अंडर आइज़ पे जॉ लाइन पे ठीक है मेरे को देखो अभी भी याद नहीं आया कि मैंने अपनी वो ब्लेंड नहीं करी कॉन्ट्रोल लाइन जॉ वाली ठीक है कोई नहीं हो ही जाती है गलतियाँ अच्छे से उसे बेक कर दिया आपको थोड़ा सा पाउडर अंडर आइस पे रखना है उसको और जो मैंने तो पाउडर यूज़ करा था मैंने बनाना बनाना ब्रेड यूज़ करा है और हुडा का यूज़ करा है उसे अच्छे से करा अब हाइलाइटर आ गया हाइलाइटर मैंने फॉर एवर फिफ़्टी टू का ट्विंकल स्टार यूज़ करा है हाइलाइटर यूज़ करने से पहले आप ये ध्यान रखना है कि आप हल्का सा फिक्सर स्प्रे करो फिर उसको थोड़ा सा फिफ्टी परसेंट ड्राई जब हो जाए वो स्प्रे फेस पे फिर अपना हाईलाइट करो हाइलाइट पॉइंट्स पे अब हम आ गए आईज पे आईज पे ताकि मैं अच्छे से कलर पॉपअप हो उसके लिए कंसीलर अप्लाई कर रहा हूँ मैं कंसीलर मैंने मेबलिन फिटमी का यूज़ करा है ट्वेंटी फाइव शेड नंबर मैं मोस्टली आई मोस्टली यूज़ फिटमी कंसीलर ऑन आईज मेरे पे दो शेड्स हैं एक ट्वेंटी फाइव और एक ट्वेंटी ठीक है अब हम इसे वही मिनी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे एक ताकि हमें एक अच्छा सा कैनवास मिल जाए अच्छे एक स्मूथ फिनिशिंग मिल जाए अपने कलर्स को स्प्रेड करने के लिए अब हम कलर स्टार्ट करते हैं मैंने सबसे पहले आपको बताया पहले लास्ट वीडियो में बताया था सबसे पहले हम अपनी ट्रांजिशन कलर अपने क्रीज लाइन वो करेंगे और हाईलाइट करेंगे क्रीज लाइन को ये पहले आप डार्क लाइट ब्राउन कलर लो फिर उसको थोड़ा सा उससे थोड़ा डार्क लो और सर्कुलर मोशन में बस ये ध्यान रखना है जो आपके स्ट्रोक्स हो वो बहुत लाइट लाइट हो लाइट हैंड से देखो मैंने ब्रश को बहुत पीछे से पकड़ा है ताकि उसके लाइट प्रेशर आए आप देखो एकदम से जो ट्रांजिशन है वो एकदम पॉप अप हो गई अब उसको थोड़ा सा और इंटेंस करने के लिए आउटर पे मैंने डार्क ब्राउन चॉकलेट टाइप कलर लिया है नॉट एग्जैक्टली ब्लैक बट डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर अब उसके बाद हमने शिमरी शेड लगाया है अपना इनर कॉर्नर में फ्लैट ब्रश से फिर अच्छे से मैंने अब उसको थोड़ा एक ब्लेंडेड लुक आए तो हल्का सा लाइट ब्राउनिश कलर लेके उसको सेंटर पे ब्लेंड कर दिया सो so दैट जो हमारा शिमरी शेड था और जो हमारा डार्क कलर था वो दोनों थोड़े ब्लेंडेड लगे अच्छे से एक साथ ठीक है आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ब्लेंडेड लुक आया है आइज़ पे पूरा और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कलर फेड हो रहा है तो आप उसे एक बार अच्छे से और रीअप्लाई कर सकते हो ठीक है बट करना आप हमेशा लाइट हैंड से तभी आपके कलर्स बहुत अच्छे आते हैं अब मैंने इधर अब मैं ग्लिटर अप्लाई कर रहा हूँ अपने सेंटर पे आइज़ के उसके लिए मैंने टू वे जेल यूज़ करा है और ग्लिटर अप्लाई करी है मैंने जो ग्लिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ मैंने रिचा दवे की ग्लिटर यूज़ करिए कुछ इनके ड्रेस से मैचिंग की ग्लिटर यूज़ करिए और एक हल्के से छोटे से स्मॉल फ्लफी ब्रश से मैंने उसको अच्छे से अप्लाई कर दिया एक ग्लिटर लगाने का ना मतलब ये होता है कि आप क्लाइंट को कहो कि नीचे देखे नॉट एग्जैक्टली exactly अपनी आइज़ बंद करे। उनसे कहो कि नीचे देखे, फिर आप उनके सेंटर पर अप्लाई करो अब हम आ गए लाइनर पे। लाइनर मैंने सिंपली लाइनर रखा है बिल्कुल बहुत पतला सा थोड़ा सा विंग दिया है लाइनर जो मैंने यूज़ करा है वो कलर पार मैट लाइनर यूज़ है ब्लैक अब हम अब आईलैश आ गया आई को मैंने आईलैश के लिए पी ग्लू यूज़ कराया जो आई है हमारी मैं जो यूज़ करी है मैंने ब्यूटिलिशियस की यूज़ करी है अब जितना भी हमारा अंडर आई में एक्स्ट्रा पाउडर था उसको मैंने डस्ट ऑफ कर दिया और मेरे को थोड़ा ऐसा लगा हाइलाइटर और लाइट हो गया है तो मैंने उसको और थोड़ा अच्छे से इंटेंस करने के लिए और एक बार रीअप्लाई है हाइलाइटर आप देख रहे होंगे कि मैंने कितने अलग अलग हाइलाइटर यूज़ करे बट मेरे को एक से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती हाईलाइटर में तो मैं इसलिए दो तीन तो यूज़ करता ही करता हूँ अब आईब्रोज में आया आईब्रोज में मैंने जैसे लास्ट भी बताया था उसमें ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की एक्चुअल शेप क्या है ठीक है बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्टार्टिंग से उसको लाइट रखें और पीछे की साइड से उसको डार्क रखें और बहुत ज़्यादा लॉन्ग मत करो लंबी नहीं करनी है मैं आगे से लंबी कर दो पीछे से लंबी वो बहुत अजीब लुक आता है जितनी कोशिश करो जितनी नेचुरल है उतनी रखो थोड़ा सा अगर जैसे कही बहुत लाइट होती है तो उसको थोड़ा सा आप हल्का सा मोटा कर दो ऊपर से बट अगर क्लाइंट की अच्छी खासी जैसे इनकी ठीक-ठीक थी तो मैंने उसको ज़्यादा थिक नहीं करा अब हम आ गए अंडर आई पे अंडर आई पे सबसे पहले मैंने, मैंने काजल करा लोअर लैश लाइन पे फिर उसको ब्लेंड कर दिया फिर उसके बाद मैंने एक पेंसिल ब्रश के लाइट ब्राउन शेडो लेके उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया ताकि एक ब्लेंड ब्लेंडेड लुक आए अब हम ये मैंने मैक के स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट से थोड़ा सा और वो करा है अब मेरे को ध्यान आ गया कि दिख गया कि, अभी भी नहीं दिखा मेरे को देखो मेरी कॉन्ट्रोल लाइन ब्लेंड नहीं हुई है वो मेरे को अभी थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा तो मैं उसे कर दूंगा सही ठीक है अब हमारी बारी आ गई लिपस्टिक की लिपस्टिक के लिए मैंने जो शेड यूज़ करा है स्विस ब्यूटी की लिप पैलेट में से यूज करा है मेरे को लिप्स करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि मेरे को एकदम परफेक्ट लिप्स पसंद आते हैं तो मैं बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करता हूँ एटलीस्ट कम से कम टेन टू फिफ्टीन मिनट्स मेरे को लिप्स करने में लग जाते हैं उनको परफेक्ट शेप करने में ठीक है अब जो करेक्शन थी वो करा अब हमारा हेयर्स पे आ गया हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है इसके बाद मैं जो शूट करना भूल गया था मैंने फ़िक्सर भी करा है फॉर का माइक्रो फिनिश वाला अच्छे से और सो हेयर माई फाइनल लुक ठीक है आपका जो भी डाउट हो आपको जो भी कुछ पूछना हो कोई प्रोडक्ट समझ में आया हो कोई ब्रश नंबर में नेक्स्ट टाइम जब अगले ट्यूटोरियल में ध्यान रखूंगा मैं ब्रश भी शो करूँ और शेडोज भी शो करूँ आपको आइज की अच्छे से सो देर इज हे माई फाइनल लुक इन आउटफिट ज्वेलरी सब कुछ वेयर करके एक अलग ही लुक आ जाता है ठीक है लेंसेज जो मैम ने यूज करे हैं लेंसेज मैंने ओ लेंसे लेंस के यूज करे हैं स्मोकी ब्राउन स्मोकी नहीं सॉरी ग्रीन स्मोकी ओ लेंस ठीक है होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं जल्दी लाऊंगा आपको जो भी डाउट हो आप इसमें मैं से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम थैंक थैंक